और देवघर के बरमसिया रोड स्थित नमन नव्या एसोसिएट्स के डायरेक्टर और संथाल परगना बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीत सिंह पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। बैद्यनाथ होटल और आईपीसी ट्रस्ट के डायरेक्टर जितेश राजपाल द्वारा न्यायालय में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। जानकारी के मुताबिक जितेश राजपाल के अधिवक्ता उदय प्रसाद ने बताया कि संजीत सिंह के साथ जितेश राजपाल का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसमें 600 स्क्वायर फीट का दो दुकान देने की बात की गई थी, जो विदुभूषण रोड स्थित अपार्टमेंट में देने को तय हुआ था, जिसके एवज में दो ब्लैंक चेक दिया गया था। लेकिन संजीत एन मौके पर कॉन्ट्रैक्ट से मुकर गया, जिसके बाद बिना बताए एक चेक का कैश कराकर 20 लाख रुपए निकाल लिए गए, जिसके बाद जितेश राजपाल द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। हाँ बोलिए। संजीत सिंह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जितेश राजपाल का कि 600 स्क्वायर फीट करके दो दुकान देनी है। परमेश्वर अति विधुभूषण सरकार रोड में एक अपार्टमेंट बनाया था उसी में, और 5,000 के रेट से बात हुई थी, जो बाद में वो मुकर गया, जिसमें 20 लाख रुपया उसको चेक कैश भी करवा लिया था और दो चेक दिया था, जिस चेक को मिसयूज़ करने लगा, तब जाके हम लोग ये मुकदमा दायर किए हैं उस पर। किन के खिलाफ? संजीत कुमार सिंह तथा रागनी कुमारी के खिलाफ है। नव्या इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर और बिल्डिंग एसोसिएशन झारखंड बिल्डिंग एसोसिएशन संथाल परगना बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष 406, 420 तथा अन्य सेक्शन में भी इस पर मामला दर्ज हुआ है।